आइए। सो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट है, पांच पांच नंबर का दो क्वेश्चन है और फिर एक 10 नंबर का है। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा लेंदी होगा। लेट अस सी कितना टाइम लगता है। राइट, सो 5A का देर आर टू पार्ट्स। पार्ट वन, ये बहुत बचपन में हम लोग ने किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज निकालने बोला है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री। राइट, सो आ जाइए। सो कितना प्रोडक्ट है, देर आर टू प्रोडक्ट्स एम एंड एन, मटेरियल एम और इधर में मटेरियल एन। राइट, सो उसके पहले टर्नओवर रेशियोज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय एवरेज स्टॉक, ये हमको पता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाई एवरेज स्टॉक, तो इसका निकालिए क्या क्या है बताइए। 6 लाख प्लस 9 लाख 50 माइनस 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख प्लस 4.5 लाख बाई टू, इसका आएगा 10 लाख प्लस 18 लाख 40 माइनस 7 लाख 25 बाई 10 लाख प्लस 7 लाख 25 बाई टू। ठीक है, सो इट इज कमिंग टू हाउ मच, 2.09। और फर्दर कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं, इट विल बी 11 लाख बाई 5 लाख 25, दैट इज 2.09। दिस इज 21 लाख 15 हजार बाई 8 62 500, 21 लाख 15 हजार डिवाइडेड बाई 8 62 500, इट इज कमिंग टू 2.45। ठीक है, ये इसका पहला आंसर था। फिर अपने को पूछा है एवरेज
एवरेज नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच सीधा लिखो ना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जहाँ मिला ही नहीं है क्योंकि फास्ट मूविंग स्लो मूविंग के लिए अपने को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बताना पड़ेगा। एम का आ रहा है दैट इज 360 बाई 2.09 और एन का आएगा 360 बाई 2.45, तो ये आ रहा है 172.25 डेज और ये आ रहा है 146.94 डेज। तो इसका मतलब as compared to m, n is fast moving item but we need to compare the holding period with the industry average, maybe too much is tied up। देखने से तो बहुत, अब different type of industry होता है ना, हर industry में अलग अलग type का holding period होता है, right? तो ऐसे दिख रहा है कि m slower है और n is fast moving, but इन दोनों के, but 172 डेज मतलब 172 दिन बाद सेल और 146 मतलब इट्स टू हाई। तो बहुत सारा इंडस्ट्री में ऐसा होता है, मे बी दिस इज नॉट एज पर द, बट वी नीड टू कंपेयर द होल्डिंग पीरियड विद द इंडस्ट्री एवरेज। इससे साफ समझ में आ रहा है टू मच ऑफ कैपिटल इज टाइड अप, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज वेरी हाई। इफ आई टॉक अबाउट एफएमसीजी प्रोडक्ट रिटेल शॉप्स, तो वहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज ऑलमोस्ट 3-4 डेज। सो आपको इंडस्ट्री का नेचर भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में मैं डील कर रहा हूँ, मतलब किस टाइप का इंडस्ट्री का मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरा, तो मेरा एज कंपेयर्ड टू एम, एन का इज फास्ट मूविंग आइटम बट वी नीड टू कंपेयर द होल्डिंग पीरियड्स विद द इन्वेंट्री इंडस्ट्री एवरेज, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री का अपना एक होल्डिंग पीरियड होता है, राइट? तो एट द आउटसेट ऐसा लग रहा है कि टू मच ऑफ दिस थिंग इज टाइड अप, टू मच ऑफ कैपिटल, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री अगेन, राइट? ये तो नेचर एनालिसिस का कमेंटिंग पार्ट है, आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। में यू कैन ऐड दिस पॉइंट स्लो इन्वेंट्री मूवमेंट मीन्स टू मच कैपिटल इज लॉक्ड अप एंड रिस्क ऑफ obsolescence is also very high।
सो इतना काफी है. नेक्स्ट, अभी ए का ही पार्ट टू, ये ए का पार्ट वन था. अब ए का पार्ट टू में साफ समझ में आ रहा है कि इट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम, राइट. तो अपने को इसके लिए एक कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ता है. ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, हमारा एक्चुअल. इनपुट रेट कॉस्ट, इनपुट रेट कॉस्ट पी क्यू. इनपुट दिया है 150, 100, रेट इज 40, 60, सो दैट कम्स टू 6000, 6000. Isn't it? Now, 250 लीटर में स्टैंडर्ड लॉस परसेंटेज दिया हुआ है. लॉस का परसेंटेज 20% है. इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 200 के हिसाब से ये है, राइट. ये हमारा 200 के हिसाब से इनपुट 250 डालेंगे, 20% लॉस, मतलब 200 आउटपुट का ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है. हमारा एक्चुअल आउटपुट है कितना? 195, राइट. 140, 110, रेट हमारा 42, 56. सर नो, तो 5880 कितना? 6160, तो मेरा आ रहा है 12040. नाउ ये तो क्वेश्चन में है. हम लोग इसको कंपेयर नहीं करते, ये हम लोगों को पता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है. इसको हम लोग को फ्लेक्स करना पड़ेगा, मतलब एज पर एक्चुअल लेके आना पड़ेगा. दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, जो हमारे को बेंचमार्क दिया है. ये 200 के हिसाब से, बट आउटपुट 195 है. तो पहले चीजों को हमको फ्लेक्स करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फ्लेक्स द स्टैंडर्ड ऑब्लिक बजटेड. फ्लेक्स करना मतलब एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड को लेके आना पड़ेगा. इज दैट फाइन? तो ये कॉस्ट कार्ड तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है. दिस कॉस्ट कार्ड हमको क्वेश्चन में दिया है. हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट है, दिस इज फॉर 200, बट वी नीड स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 195. तो ये हो गया हमारा. तो ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाएंगे. दिस इज नोट नंबर 1. अब इसको फ्लेक्स करना है. अगर ये भी 200, यहां पे भी 200 होता तो ऑलरेडी ये कंसिस्टेंट है. बट अभी स्टैंडर्ड है 200 का, एक्चुअल है 195. तो दोनों को सेम पैरामीटर पे लाना पड़ेगा. तो व्हाट वी विल डू, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट दैट इज 195. Is that fine? तो PQ, ₹150 चाहिए 200 के लिए, तो 195 के लिए कितना चाहिएगा? ₹100 चाहिए 200 के लिए, तो 195 के लिए कितना चाहिएगा, राइट?
सो इट इज कमिंग इतना लीटर 97.50 लीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा और फ्लेक्स इस तरीके से होता है जब दोनों मटेरियल को इंडिपेंडेंटली सोचेंगे. 150 200 बनाने के लिए तो 195 के लिए कितना, 100 200 के लिए तो 195 के लिए कितना, डन. अब हमारे को पूछा है मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल रेट. सिंपल हो गया. तो पी का है 146.25 इनटू 40 माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुका है 5880. क्यू का आएगा 97.50 इनटू 60 माइनस 6160. दैट इज कमिंग टू, हम चेक करो फटाफट एकदम, ट्रेन भाग जाएगी इतना सोचोगे तो. कितना आ रहा है, 30 एडवर्स, इसका 310 एडवर्स, तो कुल मिला के हो गया 340 एडवर्स. हमेशा याद रखना जब भी कंपेयर करते हैं बजट स्टैंडर्ड नहीं फ्लेक्स्ड वाले को, तो फ्लेक्स मतलब स्टैंडर्ड को एज पर एक्चुअल लेके आएंगे. अभी हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसको दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 200 आउटपुट, बट एक्चुअल तो वो नहीं है ना. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट होल इनटू स्टैंडर्ड रेट. सिंपल है. पी क्यू 146.25 माइनस 140 होल इनटू 40% 97.50 माइनस 110 इनटू 60%. तो पहला वाला तो साफ दिख रहा है फेवरेबल है, 250 फेवरेबल, और ये है 750 एडवर्स, तो मिला के आ गया 500 एडवर्स. तो ओवरऑल कॉस्ट एडवर्स 340, ये 500, मतलब प्राइस वेरिएंस पक्का 160 फेवरेबल आएगा, देख के बता दिया मैं. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इन टू एक्चुअल इनपुट. पी क्यू 40 माइनस 42 इन टू 140 280 एडवर्स, 60 माइनस 56 into 110, 440 favorable. देख लो टेस्टिंग हो गया ना. एकदम सिंपल था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम में भी ज्यादा ट्रिडिंग बिडिंग नहीं था, एकदम सिंपल एंड सोवर. ठीक है, आंसर टू
क्वेश्चन नंबर 5B, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5B, मार्जिनल कॉस्टिंग लग रहा है। ठीक है, मैं रेडीमेड सूट बनाता हूँ, मेरा कैपेसिटी 2000 है, लेकिन मैं अभी 1500 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो पार्ट वन में मेरे को शुड द कंपनी इंक्रीज, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है। प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड, ठीक है सर। आप प्रेजेंट वाला क्यों बना रहे हो? क्योंकि प्रेजेंट वाला ना हमारे फॉर्मेट में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ हमारे फॉर्मेट में नहीं होगा ना उसको हम इस तरीके से ही करेंगे। पहले सेल्स कितना है हमारा, यहाँ कहता है अट्ठारह सौ, अच्छा ये तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो अपने सीधा बैठा देते, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना सत्ताईस लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल है 594,200 का, देन हमारा डायरेक्ट लेबर है 442,600 का, फिर हमारा वेरिएबल ओवरहेड है 1,1,97,000 का 60%, 1,1,97,000 का, 1,1,97,000 का 60%, 718,200। ये सब होने के बाद हमारा आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस 594,200 माइनस 442,600 माइनस 718,200, 9,45,000। अब लेस करना हमें फिक्स कॉस्ट 11,97,000 का 40%, फोर 78,800। तो इससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा प्रेजेंट वाला 495 माइनस 478,800, 466,000। राइट,
तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना भाई साहब। और प्रॉफिट ये जो आया ये 1500 आउटपुट का आया है, बरोबर है। हमारा ये जो प्रॉफिट आया है ये 1500 आउटपुट का आया है। अभी हमारा जो प्रपोज्ड है सेलिंग प्राइस बढ़ाने का, उससे हमारा आउटपुट जो आएगा दैट इज 60% ऑफ टोटल कैपेसिटी, मतलब 1200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हिसाब से देखा जाए तो फॉल बाय 300 यूनिट्स हमारा वॉल्यूम 300 यूनिट से गिरा है। पहले भाई हमारी कैपेसिटी तो 2000 थी ही नहीं ना, हमारी कैपेसिटी कितनी थी, हाउ मच? 1500, विच वॉज 2000 से 1500। अभी 2000 का 60% मतलब 1200, तो प्रेजेंट से क्या पोजीशन है, 300 फॉल हुआ, 300 फॉल हुआ मतलब 20% डिक्लाइन, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से हमारा डिमांड पे फर्क पड़ता है। इज दैट फाइन? अभी प्रपोज्ड इनकम स्टेटमेंट हमें बनाने बोला है, तभी ना पता चलेगा वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो हमने 200 से सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, तो अब हमारी पोजीशन क्या है ध्यान से देखो। अब हम 2200 में केवल 1200 ही बेच पाएंगे, बताइए कितना? 200 से बढ़ाया ना हमने, 1800 था, 2000 कर दिया, तो इससे हमारा वॉल्यूम गिर के 1200 हो गया, बताइए सेल्स कितना आ रहा है, कितना? ₹24 लाख। तो सेल्स गिर के हमारा हो गया ₹24 लाख। अब ये जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है ये सब है आपका 1500 यूनिट का, प्रेजेंट में वॉल्यूम 1500 है। अब 1200 में वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया ना भैया, तो अपना खाली मैं एक का दिखा रहा हूँ, 594,200 अगर 1500 का है तो 1200 का कितना होगा बताइए, ठीक है लाइन से बता दीजिए। 594,200 डिवाइड बाय 1500 इंटू 1200, 475,360, ठीक है। फिर इधर 442,600 डिवाइड बाय 1500 इंटू 1200, 358,200 डिवाइड बाय 1500 इंटू 1200, तो ये आ रहा है 574,560। तो हिसाब से हमारा आ गया 9,96,000 माइनस करके। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, वाओ ये तो बहुत अजीब और गरीब वाली बात हो गई।
4 7 8 8 00 वाओ 5 1 7 2 00 ग्रेट ग्रेट मतलब प्राइस बढ़ाया वॉल्यूम गिरा प्राइस बढ़ाया वॉल्यूम गिरा लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ गया ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे तो डिस्पाइट हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भैया वॉल्यूम 20% से फॉल हुआ है और प्राइस देखा जाए 1800 से 1800 से 2000 जंप किया 200 इसका मतलब 200 बाय 1800 करेंगे तो 11.11% तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज तो इसको बोलते हैं हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड ठीक है हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसके बावजूद भी मेरा प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमेंट करना ही पड़ेगा हम लोगों को आंसर लिख रहे हैं हम लोग राइट वेरिएबल कॉस्ट तो वॉल्यूम के साथ चेंज हो गया लेकिन फिक्स कॉस्ट तो नहीं होता है ना तो सर मेरा डिमांड ज्यादा से फॉल किया है लेकिन प्राइस 11.1 तो परसेंटेज डिमांड ज़्यादा से फॉल किया है तो इसके कारण भी मेरा प्रॉफिट बढ़ गया इसके कारण भी मेरा प्रॉफिट बढ़ गया अगर कोई भी कॉस्ट चेंज होता है जैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो हम ये पॉलिसी सस्टेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू फॉल एंड होता है वेरिएबल कॉस्ट का चेंज होना स्वाभाविक है अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करते हैं तो मेरा कॉस्ट ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है बट अगर हम अपना वॉल्यूम कम कर देंगे तो ऑब्वियसली मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो इन दैट केस माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बाउंड टू इंक्रीज एंड वंस इट स्टार्ट इंक्रीजिंग आप ये कहीं सब ऐसे भी मरेंगे और कॉस्ट से भी मरेंगे आपका प्रॉफिट प्रेजेंट प्रॉफिट को पार बहुत उसके नीचे चला जाएगा राइट इज दैट फाइन अभी इसी का पार्ट टू इसी क्वेश्चन का पार्ट टू क्या बोला है कंपनी कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स इफ द कंपनी प्रोवाइड टाइप इन विद द रेडीमेड सूट कैलकुलेट द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% वाओ
इनको प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल, ओके। बोलता अगर आप टाइपिंग देंगे ना तो आप 20% अर्न कर सकते हो, और वो सेल्स पूछा है। सो सबसे पहले तो हम पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन पीवी रेशियो में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्ट वन तो हो गया, पार्ट वन से पार्ट टू का कोई लेना देना नहीं, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन। तो अगेन प्रेजेंट से मूव करेंगे, नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एसपी 1800, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टाइप इन वेरिएबल ओवरहेड, ये तो 18 है। करने के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे जो पीवी रेशियो आएगा, 10 लाख बेचो, 10,000 बेचो, पीवी रेशियो वही रहेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, डिवाइड कर दीजिए 594 200 से 1500, अभी किया था हम लोग, 594 200 डिवाइडेड बाय 1500, 396.13। डायरेक्ट लेबर कितना आ रहा है, 295.07, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 478.80। तो ये सब करने से मेरा आएगा 612। तो पीवी रेशियो हो गया 612/1800 × 100, दैट इज 34%। ठीक है, नाउ हाउ डू यू गेट सेल्स, टेल मी। सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवी, सेल्स को एस ले लो, दिस इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी, राइट। तो फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 478 800 प्लस प्रॉफिट इज 20% 0.2 ऑफ एस बाय 34%, नाउ गेट इट, 0.34 एस इज इक्वल्स टू 478 800 प्लस 0.20 ऑफ एस, और 0.14 एस इज इक्वल्स टू 478 800। इन टू एस एस
ऐसे करके लिखो, ठीक रहेगा। फोर सेवन एट एट डबल जीरो डिवाइडेड बाई 0.14, 34,20,000। Therefore, number of units to be sold, ये पूछा नहीं है, सेल्स पूछा था, जस्ट खाली निकाल दे रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम लोगों को पता ही है, ये वाला चीज इसी से आगे बढ़ जाएंगे। स्टेप का सम हमने किया है, बट उसमें परसेंटेज नहीं था। हाँ, 10% ऑफ सेल्स, रिमेम्बर। गॉट इट। उसको मैंने नंबर ऑफ यूनिट से करवाया था आपको, आई रिमेम्बर। यस 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 यस, 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था, 14 रुपये वेरिएबल कॉस्ट था, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 6x, 6x इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 2x, रिमेम्बर 20% ऑफ सेल्स था वहाँ पे। हाँ, कुछ मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ही पूछा था, यहाँ पे सेल्स पूछा है, तो इसलिए पीवी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लिया है। राइट, तो सब एलजेब्रा है, आ गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। कुल मिला के अगर मैं टाइमिंग जोड़ू टाइमर के हिसाब से, 37 to 38 मिनट्स हम लोगों को पहला क्वेश्चन करने में लगा था, वो भी डिस्कस करके। देन राउंड अबाउट 2 आवर 40 मिनट्स इसको करने में लगा है। तो हिसाब से देखा जाए तो मेरा 3 घंटा 20 मिनट में पेपर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें भी मैंने डिस्कस कराया, तो यही चीज़ आपको भी घर में प्रैक्टिस करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को घर में पेपर को 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने लाइव सॉल्व कराया आपको, राइट। अभी एग्ज़ाम मना किया है कि नहीं करने के लिए, बट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी क्वेश्चन है, आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो वी नीड टू जस्ट डिस्कस, वी हैव कंप्लीटेड आवर पेपर। नाउ पहला क्वेश्चन बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड बाय द स्टाफ एट ऑपरेशनल लेवल, इज दैट फाइन। नाउ ऑपरेशनल लेवल में है कौन कौन, सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर्स, राइट। नाउ व्हाई डू दे रिक्वायर इंफॉर्मेशन, राइट, यही पूछा है ना। तो आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो यू कैन राइट उनको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है, गोल्स क्या है उनका, राइट। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कितना वॉल्यूम बनाना है, क्वालिटी क्या होगा, राइट, ये सब चीज। एंड कई बार क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट पैरामीटर्स,
हाउ देयर परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पैरामीटर्स अगेंस्ट विच दे विल गेट द इंसेंटिव, राइट? एंड बट ऑब्वियस दे वॉन्ट टू नो जिस डिविजन का वो लोग इंचार्ज है उसका प्रॉफिटेबिलिटी. इसमें एक भी चीज बताओ जिससे वो लोग, तुम ऐसे नहीं बोल सकते वाई आर यू कंसर्नड और वाई यू वॉन्ट टू नो. भैया ऑब्जेक्टिव गोल्स नहीं होगा तो हम अपना परफॉर्मेंस कैसे देंगे? वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट मिनिमाइजेशन और यू वॉन्ट टू डू प्रोडक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल? क्या है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है वो नहीं बताएंगे तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हाउ यू विल मेजर माई परफॉर्मेंस? मेरा डिविजन का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? इसके छुपाने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जस्ट इन टाइम अप्रोच. नाउ जस्ट इन टाइम अप्रोच आप लोगों को पता है, बोलता है इमीडिएटली व्हेन यू रिक्वायर इट, राइट? इमीडिएटली व्हेन यू रिक्वायर इट देन यू परचेज द रॉ मटेरियल, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब आपके पास यूजुअली क्या होता है, हम स्टोर में माल रखते हैं, कस्टमर ऑर्डर देता है, पहले मैं परचेज कर लेता हूँ, स्टोर में रखता हूँ, दुकान लगा लेता हूँ. पुचका वाला, इट्स लाइक पुचका वाला, पुचका वाला डाला लगा के बैठा है, इन्वेंट्री लगा के बैठा है, आपको आना है खरीदना है, राइट? तो वो आपके सामने मसाला बनाता है, आपको फिर खिलाता है, राइट? तो जस्ट इन टाइम बोलता है नहीं, पहले आप मुझको ऑर्डर दीजिए, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्शन प्लान करूंगा, उसके हिसाब से मैं रॉ मटेरियल का रिक्विजिशन भेजूंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जस्ट इन टाइम अप्रोच में याद रखिएगा, तभी प्रोडक्शन करना है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एंड आप कस्टमर को नहीं, कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है तब, राइट? इज दैट फाइन? तो जस्ट इन टाइम का प्रिंसिपल क्या क्या है, पहले प्रिंसिपल्स बताइए, ठीक है? प्रोड्यूस ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. दूसरा, वंस प्रोड्यूस्ड इट शुड बी डिलीवर्ड. हम नहीं रखने वाले भैया, राइट? तो बट ऑब्वियसली अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में बन रहा है माल, तो माल बन गया तो फोन करके बोल दो भैया आप अपना डिलीवरी ले जाइए, खत्म बात. इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. फोर्स डिमांड नहीं, डिमांड पुल या पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. हम दुकान नहीं लगाएंगे, तुम आओ बोलो बताओ हम बना देंगे. राइट? तो इसमें सबसे पहले आता है डिमांड, उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स. अब जब स्टार्ट चाहिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, जब स्टार्ट होगा मटेरियल रिक्विजिशन सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट सेंड्स परचेज ऑर्डर, बताया था ना मैंने आपको कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है. Purchase department sends purchase order to supplier. फिर supplier delivers the
रॉ मटेरियल एंड विच डॉक्यूमेंट गुड्स रिसीव नॉट, रिमेंबर। सो इतना लिख देंगे काफी आपका पांच नंबर के लिए, उससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। इसी को पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सी जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम न्यू बेस। यूजुअली जब भी हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो बेस बजटिंग का है राइट, हर बार नए सिरे से प्लानिंग करिए। इससे क्या होता है, अगर कोई आपका अनवांटेड एक्टिविटी है तो अगर आप बार बार कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अनवांटेड थिंग्स गेट्स एलिमिनेटेड। ठीक है, मतलब आपके पास पुराना कोई भी बेस नहीं, आपको फ्रेश बजटिंग करना है फ्रॉम स्क्रैच। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंस शुड बी री एग्जामिन्ड राइट। So you can see, ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं राइट। वही आपको पूछा है, सुपीरियरिटी बताइए। जीरो बेस बजटिंग का स्टार्ट फ्रॉम न्यू बेस, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी राइट। इट मीन्स All expenses must be justified for new period. New base को ये लोग zero base भी बोलता है। हर एक ऑपरेशन, हर एक फंक्शन को वापस से एनालाइज किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स नीड एंड कॉस्ट। एवरी फंक्शन ऑब्लिक ऑपरेशन इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन इट्स नीड एंड कॉस्ट राइट। तो इसमें सुपीरियरिटी में लिख देंगे, सिस्टमैटिक है ये। अच्छा, आइडेंटिफाइज क्रिटिकल फंक्शन, क्योंकि हर एक फंक्शन को आप एनालाइज करेंगे तो क्रिटिकल फंक्शन एनालाइज हो जाएगा ना, उसका कितना महत्व है। Allocation of proper resources, क्योंकि unwanted चीज़ तो हट जाएगा ना, तो आप resources भी properly allocate कर पाएंगे। Helps in identifying वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब ये तो ये बात हो गई कि आप घर से निकल रहे, मम्मी से 200 रुपए मांग रहे, मम्मी रोज आपको पूछेगी क्यों चाहिए। एक बेसिक होता है ना कि भैया भाड़ा लगेगा, जाएंगे आएंगे, टिफिन का खर्चा है, बट हमारे पेरेंट्स हमको रोज पूछ रहे, दैट इज जीरो बेस बजटिंग राइट। ओके, नाउ नंबर डी, क्वेश्चन डी क्या है, एक्सप्लेन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग लिख देते हैं
कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज एसर्टेन्ड सेपरेटली. फॉर एग्जाम्पल कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कस्टमर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से. प्रेस्टो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर सर्विस सेंटर, राइट? क्योंकि हर एक जॉब यूनिक होता है, ईच जॉब इज यूनिक. Right. Then we have batch costing. Homogeneous product. Right. मतलब lot wise production होता है, जैसे shoe manufacturing companies. Shoe making companies, right? Each batch is treated as a cost unit. Therefore, cost per unit is cost of the batch divided by number of units produced in that batch. As simple as that. आपको proper paragraph form में लिखना है. इसमें भी एक ऑप्शन है फीफो लीफो, फीफो लीफो एक्सप्लेन कर दीजिएगा. अच्छा, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पूछा है. ब्लैकर्स थ्योरी मैंने आपको समझाया था, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट प्रॉफिट फॉरगॉन अमंग द अल्टरनेटिव्स इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बैंक से एफडी तुड़वा के बिजनेस में लगा रहे हैं, 9% मिलता था, तो बिजनेस से कम 9% का मुनाफा आना चाहिए. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हैं ना, राइट? सपोज आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं 12 लाख का पैकेज में, आपको एक नया कंपनी ऑफर दे रहा है 11 लाख, जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 है. सैक्रिफाइस आप 12 लाख का करके, बहुत जन बोलते हैं नहीं सुकून चाहिए, तो ठीक है, आप देखिए आपका सुकून से आप वो लॉस को कॉम्पेंसेट कर पाएंगे क्या, राइट? सो कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दीजिएगा. उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है फीफो और लीफो, राइट? तो जनरली ये फॉलिंग प्राइसेस में सुटेबल होता है, एंड ये इन्फ्लेशन के टाइम में राइजिंग प्राइसेस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट. पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप इसको कमेंटिंग में बता दीजिएगा. और कितना लिखेंगे, ठीक है? सो वी हैव कंप्लीटेड 120 मार्क्स, राइट, इन 3.5 आवर्स. सो आप उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं. लोग क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं तो उससे टाइम उनका सेव होता है, एंड इट्स स्कोरिंग ऑल्सो.
यू कैन राइट इन पॉइंट फॉर्म्स, इट विल गिव यू गुड मार्क्स. इफ यू राइट रबिश नहीं होगा. आपको पॉइंट फॉर्म में टू द पॉइंट हिट करना है. राइट. इससे ज्यादा लिखने का भी दरकार नहीं है, मैंने जो आपको बताया है. ठीक है. सो वी विल अगेन टेक अप वन मोर पेपर एंड वी विल सॉल्व इट. थैंक यू सो मच.